गायत्री विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय साँचो यूट्यूब चैनल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। के विद्यार्थियों, आज हम काव्य भाग पढ़ेंगे। इसमें रामधारी सिंह दिनकर की जो वीर रस की कविता है कुरुक्षेत्र, वो आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इनके इनका जो पहला पद्यांश है वो है कुरुक्षेत्र कविता में क्या है ये हम जान लेते हैं। पहले इसमें युधिष्ठिर और भीष्म संवाद में आपस में दोनों में जो वार्तालाप हो रहा है उसी का वर्णन किया गया। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, इसमें महाभारत के युद्ध का वर्णन है। महाभारत का युद्ध हुआ था तो ये युधिष्ठिर जो है धर्मराज और विष्णु पितामह जो है दोनों में वार्तालाप हो रहा है। विष्णु पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि अगर बनावटी या कृत्रिम अशांति साम्राज्य में हो तो उसके लिए युद्ध होना अति आवश्यक हो जाता है, और जो अनीति और अन्याय के मार्ग पर चलकर के झूठी और बनावटी शांति कृत्रिम शांति स्थापित करना चाहते हैं तो वह अपने आप ही युद्ध के लिए अग्रसित होते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर यानी धर्मराज जो है युधिष्ठिर जो है युद्ध को उचित नहीं मानते हैं, निंदनीय बताते हैं और दोनों में संवाद होता है। जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी ही सकता है। सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित कर करबल छल से किसी शुद्धित का प्रयास छीन नर लूट किसी निर्बल से। यानी जब महाभारत का युद्ध होता है तो युधिष्ठिर धर्मराज युद्ध को निंदनीय बताते हैं और युद्ध करना नहीं चाहते हैं। वो युद्ध का मुख्य कारण अपने को समझने लगते हैं। विष्णु पितामह उनको समझाते हैं कि ये सब दया करुणा प्रेम यह शांति स्थापित करने के लिए वास्तविक शांति स्थापित करने के लिए साम्राज्य में जरूरी है। तो धर्मराज जो है यानी युधिष्ठिर जो है वो अपने आप को ही युद्ध का कारण मानने लगते हैं। विष्णु पितामह कहते हैं समर निंद ही धर्मराज, समर यानी युद्ध, निंद यानी निंदनीय है धर्मराज यानी युधिष्ठिर। पर तपो शांति भूत क्या है कि हे धर्मराज हे युधिष्ठिर, विष्णु पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर अगर युद्ध करना निंदनीय है, आप युद्ध को निंदनीय मानते हैं, पर कहो तो फिर आप ही बताइए शांति वह क्या है। फिर जो अनीति के मार्ग पर चल करके अन्याय के मार्ग पर चल करके जो जिन शासकों ने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सुख साधनों का विस्तार करने के लिए शांति जो दिखावटी या बनावटी या कृत्रिम शांति स्थापित की है तो फिर उसका क्या मतलब है। जो अनीति पर स्थित होकर ही बनी ही सकता है। विश्व पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर जो अनीति पर चलकर के अन्याय के मार्ग पर चलकर के जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जो कृत्रिम बनावटी शांति स्थापित करना चाहते हैं, क्या यह प्रशंसनीय है, सरल है, सही है या प्रशंसनीय है। सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित
सभी ने युद्ध और शांति के विषय को उजागर किया है कि साम्राज्य जिस प्रकार से इस पद्यांश में बताया कि साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या ये जरूरी है या फिर साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या ये जरूरी है या फिर ये जो है सुख जरूरी है। Thank you.
करने में क्या हो रहा है इस पर तुम ध्यान मत दो, इसका तुम विरोध मत करो, हृदय रक्त अपना मुझको कहने दो। अर्थात जो गरीब है, निर्बल है, कमजोर है, ऐसे लोग उन गरीबों का रक्त पीते हैं, अर्थात उनका शोषण करते हैं। अचल रहे साम्राज्य शांति का जीरो और जीवन। यहाँ पर कवि रामधर सिंह दिनकर कहते हैं अचल यानी स्थिर, कि अचल रहे साम्राज्य शांति का, कि जो अनेक विरोध करते हैं और नीति का रास्ता दिखाते हैं, उनका विरोध करते हुए जो अन्याय है, जो साम्राज्य का विस्तार चाहते हैं, जो समाज में समानता नहीं अपनाते हुए सिर्फ स्वयं की सुखभोगों का उपयोग करते हुए जो साम्राज्य का विस्तार करते हैं, वो लोग कहते हैं कि अचल रहे साम्राज्य शांति का, कि ये जो शांति का साम्राज्य है, ये स्थिर रहे, इसका तुम विरोध मत करो, जियो और जीने दो, तुम भी जियो, जीवन यापन करो और हमें भी जीने दो। सच्च है सत्ता सिमट सिमट, जिसके हाथों में आई शांति भक्त पे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी बढ़ाई। सुख का समय रूप विभाजन जहां नीति से दया से संभव नहीं, अशांति गर्मी को जहां खड़क के भैसे, जहां पालते हो अनुति पद्धति। सच्च है सत्ता सिमट सिमट, जिनके आपको यहाँ पर विष्णु पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, दोनों में संवाद चल रहा है कि यह बात सही है, सच है कि समाज में देश में असमानता को अपना करके जो सिर्फ स्वयं ही सुखों का भोग करना चाहते हैं, सबको समान दृष्टि से नहीं देखते, समानता को नहीं अपनाते हैं, उनके ही हाथों में सत्ता यानी शासन सिमट सिमट करके, अर्थात उन्हीं के हाथों में, उन्हीं शासकों के हाथों में शासन होता है। शांति भक्त वे साधु पुरुष को चाहे कभी लड़ाई, ऐसे शासक, ऐसे यहाँ पर जो साधु पुरुष आया है, ये सज्जन पुरुष, इन पर व्यंग्य किया गया है कि ऐसे जो सज्जन पुरुष हैं, जो असमानता रखते हैं, यानी समाज में सिर्फ स्वयं ही सुखों का भोग करते हैं, स्वयं ही सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, अनीति और अन्याय के मार्ग पे चलते हैं, वो ऐसे सज्जन पुरुष, उन पर व्यंग्य किया गया है, वो ऐसे शांति के भक्त लड़ाई क्यों करना चाहिए, जिनके हाथ में शासन के बाल बोल है। सुख का समय रूप विभाजन जहां नीति से दया से संभव नहीं, सुख का समय रूप विभाजन, वो ऐसे लोग, ऐसे सुख का समय, समय के लिए सही रूप विभाजन जहां नीति से दया से संभव नहीं, ऐसे लोग जो है सुखों का सही तरीके से, सही रूप से, ठीक ढंग से नीति और नए यानी न्याय के मार्ग पर चलकर के सबको समान दृष्टि से नहीं देखते हैं, समानता का विभाजन सही रूप से, सही रूप में नहीं करते हैं, यानी कि स्वयं ही गरीबों का शोषण करके, निर्बलों का शोषण करके उन्हें कमजोर बनाते हैं और स्वयं ही सुखों का उपभोग करते हैं, स्वयं ही ऐसे शासक वर्ग नीति और न्याय के लिए संभव नहीं होता है, वो समाज में देश में सही तरीके से सुखों का विभाजन या फिर समानता को तो सभी को समान दृष्टि से नहीं देखते, समानता को नहीं अपनाते, शांति तभी हो जहां करते जहां पालते हो, शांति तभी हो जहां
अपने साम्राज्य का अपने सुखों में वृद्धि करके सुखों का विस्तार करके और अनीति